दोस्तों, मैं जानता हूँ पबजी मोबाइल के बैन के बाद से ही आप लोग अपने पुराने स्क्वाड के साथ ही कुछ मल्टीप्लेयर गेम्स को ट्राई करना चाहते हो, और हमारी आज की वीडियो भी बिल्कुल इसी टॉपिक पर होने वाली है। यानी कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 8 मल्टीप्लेयर्स गेम फॉर योर एंड्रॉयड डिवाइसेस। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट लविश। स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में लविश इज़ गेमिंग। और हमारी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूँ एक ऐसे सफ़र के ऊपर जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने पुराने स्क्वाड के साथ में ढेर सारे मल्टीप्लेयर्स गेम का मज़ा ले पाएंगे, साथ में मिलकर के ढेर सारे एनिमीज के साथ फाइट करेंगे, पजल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स पर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो चलिए इन मल्टीप्लेयर गेम के काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे पहली गेम की जो निकल कर आती है, अमंग अस। अब अगर इंडिया में फॉल गाइस के बाद कोई गेम ट्रेंडिंग पर जा रहा है तो वो है दोस्तों अमंग अस। आप लोगों ने देखा होगा सभी स्ट्रीमर इस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, और व्यूवर्स को भी बहुत ज़्यादा गेम पसंद आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इसका मल्टीप्लेयर कोऑप मोड। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में दोस्तों, यहाँ पर 5 से लेकर 10 की एक टीम बनती है। उस टीम में एक बंदे को चुना जाता है दोस्तों रैंडमली इम्पोस्टर, और बाकी सारे के सारे हो जाते हैं क्रूमेट्स। क्रूमेट्स का मिशन होता है टास्क वगैरह को कंप्लीट करना और ये पता लगाना एक्चुअली में इम्पोस्टर है कौन। और इम्पोस्टर का टास्क होता है एक एक करके सारे क्रिमिनल्स को मार गिराना। सो है ना एक मज़ेदार सा कंसेप्ट, और इसीलिए इस गेम को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इंडिया में। आप लोग छुपके छुपके जाते हैं, सारे मेंबर्स को मार गिराते हैं। अगर आप लोग बन जाते हैं क्रिमिनल तो भाई सारे के सारी टास्क को अगर आप लोग ने कंप्लीट कर दिया तो आप लोग जीत जाएंगे। और अगर आप लोग ने चैट में पता लगा लिया कि भाई असली मेंबर कौन है जो किलर है, तो भी आप लोग जीत जाते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस गेम के साइज़ की, तो वो होने वाला है दोस्तों बहुत ही कम। ये एक ऑनलाइन गेम है, और इस गेम का प्लस पॉइंट ये है कि ये गेम इस पूरी वीडियो में सबसे कम साइज़ वाला गेम होने वाला है। आप इस गेम को किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में चला सकते हो। और दोस्तों जितनी भी गेम्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सबका नाम और साइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाला हूँ, तो जल्दी से जाइएगा और डाउनलोड कीजिए। और चलिए हम लोग बात करते हैं अब हम अपनी सीरीज़ में आने वाली सेकेंड गेम की जो निकल कर आता है डेड बाई डे लाइट। ये होने वाला है दोस्तों हॉरर के तड़के के साथ में मल्टीप्लेयर का मज़ा। इस गेम की साइज़ होगा दोस्तों 4 GB के आसपास। ये एक्चुअली में थोड़ा सा बड़ा गेम है जिसको खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर आप लोग को अपने किलर से बचना है। अब इस गेम का कॉन्सेप्ट भी दोस्तों थोड़ा सा सिमिलर है। 5 लोग जाते हैं जिनमें से एक होता है किलर और बाकी के 4 को काम होता है सर्वाइव करना। तो आप लोग सोचिए जब आप बच कर के जा रहे हैं, वो 5 लोग आपस में मिलते हैं, किसको नहीं पता कौन किलर है, कब कोई पीछे से आकर आपको मार देगा। बहुत ही डरावना माहौल हो जाता है, ऊपर से लोकेशन क्रीपी है। ग्राफिक्स इस गेम के बहुत अच्छे आप लोगों को देखने मिलेंगे, और ये गेम आप लोगों को सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगी, जैसे कि दोस्तों PC, कंसोल्स, और अब तो आप इसे एंड्रॉयड में भी प्ले कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और भी बहुत सारी गेम्स के बारे में, और उनमें से जो हमारा थर्ड गेम निकल कर आता है वो है दोस्तों आर्म्ड हाइस्ट। क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस गेम के अंदर मल्टीप्लेयर कोऑप मोड डाल दिया गया है, यानी कि अब आप दोस्तों के साथ में स्क्वाड बनाइए और जाइए इसके मिशंस को कंप्लीट करने के लिए, जहां पर आप लोग दोस्तों रॉबरीज करेंगे, बैंक हाइस्ट करेंगे, फाइट करेंगे डायरेक्टली पुलिस के साथ, चोरी वगैरह करने में आप लोगों के दोस्त आपकी हेल्प करेंगे। अगर बात करी जाए गेम की ग्राफिक्स की तो वो तो आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे होने वाले हैं। साइज़ है दोस्तों 1.3 GB,
और खेलने में भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज आर्म्ड हाइस्ट से काफ़ी टाइम से लोग डिमांड कर रहे हैं मल्टीप्लेयर कोऑप मोड के लिए, ताकि खेलने में और भी मज़ा आए। तो दोस्तों अगर आपको ये गेम अच्छा लगता है तो आपको ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं शूटिंग की एक और नई गेम की, जिसको शायद आप लोग पहले से ही जानते हो, यानी कि हमारा फोर्थ नंबर की गेम जो निकल कर आती है शैडो गन लीजेंड्स। ये साइंस फिक्शन के तड़के के साथ एक शूटिंग गेम निकल कर आता है और आप लोग का सामना होता है खतरनाक क्रिएचर्स से, एलियन से, जिनसे आप लोग बैटल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स का यूज़ करते हुए। ये गेम दोस्तों जाना जाता है अपने बेहतरीन फर्स्ट पर्सन शूटिंग के लिए, और इस गेम के ग्राफिक्स भी आप लोग को अच्छी देखने मिल जाएगी। बात करूँ इस गेम के साइज़ की तो वो होने वाला है 1 GB के आसपास। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, जो निकल कर आता है दोस्तों हीरो हंटर्स। हीरो हंटर्स गेम के अंदर आप लोगों को दोनों ही मोड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि पीवीपी बैटल्स, यानी कि दोस्तों के साथ ऑनलाइन रियल टाइम में फाइट कीजिए, या फिर दोस्तों के साथ कोऑप मोड, जिसमें स्टोरी ड्रिवन मिशंस आप लोग कंप्लीट करते हैं और बॉसेस वगैरह बड़ी बड़ी बैटल्स को लड़ते हैं अपने दोस्तों के साथ में। अगर मैं बात करूं इस गेम के साइज़ की तो वो होने वाला है दोस्तों 120 MB के आसपास, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि बहुत ही कम साइज़ में आपको अच्छी ग्राफिक जैसे दिखने वाली गेम आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग अपने हीरोज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। इस गेम में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बॉसेस आएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बैटलशिप आएंगी, आप लोग फाइट करेंगे अपने ब्लास्टर्स और गन्स का यूज़ करते हुए, यानी कि ये एक अच्छा गेम है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और चलिए बात करते हैं सीरीज़ के 6th नंबर की गेम की, जो है मॉडर्न कॉम्बैक्ट 5। अब हाँ, ये बात मैं जानता हूँ मॉडर्न कॉम्बैक्ट 5 ये काफ़ी पुरानी गेम है, पर आप लोग ये नहीं जानते कि लेटेस्ट अपडेट के बाद में इस गेम में मल्टीप्लेयर का सपोर्ट डाल दिया गया है। इसमें आपको बैटल रॉयल मोड मिल जाएगा, जैसे कि पबजी मोबाइल में हुआ करता था, बहुत अच्छे ग्राफिक के साथ, और साथ ही साथ कोऑप मोड मिल जाता है, यानी कि दोस्तों के साथ मिलकर मिशंस कंप्लीट कीजिए, उनके साथ में पीवीपी बैटल्स आप लोग लड़ सकते हैं। और फिर इस गेम के ग्राफिक्स के बारे में क्या ही कहूँ मैं फिर, और बात करूँ इस गेम के साइज़ की तो वो होने वाला है 1.4 GB के आसपास। तो दोस्तों जल्दी से अगली गेम की ओर बढ़ते हैं, जो है टॉम एंड जेरी चेज। अब ये पुराना एनिमेटेड सीरीज वापस से हमारे बीच आ चुकी है एक गेम बनकर। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस गेम की साइज़ की तो वो दोस्तों होने वाला है 1.1 GB, और मज़ा तो इसके गेम प्ले में है भाइयों, बिकॉज इस गेम में या तो आप प्ले करिए बनकर के टॉम, या तो फिर दोस्तों जेरी। और अगर आप लोग बन जाते हैं टॉम तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कार्टून सीरीज़ की तरह यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग पीछा कर रहे हैं जेरी का, यानी कि आप लोग पकड़ रहे हैं जेरी को अपने दोस्तों के साथ। या फिर दोस्तों आप लोग अगर बन जाते हैं जेरी तो भाई आप लोगों का मकसद होगा चीज़ें चुराना और टॉम को परेशान करना, यानी कि वही हमारी पुरानी यादें वापस आने वाली है एक गेम प्ले बन करके। एक अच्छा ग्राफिक वाला गेम होने वाला है। अगर आप लोगों को ये गेम पसंद आता है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। हालांकि ये गेम आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, पर परेशान मत होइए, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं APK प्योर से। तो चलिए खैर बढ़ते हैं अपने लास्ट गेम की तरफ, जो निकल कर आता है वॉरफेस ग्लोबल ऑपरेशन। इस गेम के अंदर भी लेटेस्ट अपडेट के साथ इसमें डाल दिया गया है दोस्तों मल्टीप्लेयर को ऑफ मोड। अब यहाँ पर भी आप लोग PvP का मज़ा ले सकते हैं, दोस्तों के साथ में फाइट कर सकते हैं, मल्टीप्लेयर मिशंस को कंप्लीट कर सकते हैं, और बड़े बड़े बॉसेस से आपका सामना होगा, ढेर सारे एनिमीज से आपको सामना करना होगा, और दोस्तों के साथ में मिल करके आप लोग उन्हें हराएंगे। इसमें ढेर सारे वेपन्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनको आप अपग्रेड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ भी आपको ग्राफिक्स बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करी जाए इस गेम की साइज़ की तो दोस्तों वो होने वाला है 1.6 GB, यानी कि बड़ा अच्छा गेम है।
अगर आप लोग किसी मल्टीप्लेयर कोऑप मोड की तलाश कर रहे थे जिसमें आप लोगों को शूटिंग वगैरह देखने मिल जाए, तो दोस्तों ये मेरी रिकमेंडेशन है। यानी दोस्तों ये थी वो सारी की सारी गेम जिनको आप तक पहुंचाना था। हर एक गेम का अपना टेस्ट है, हर एक गेम थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इन सभी गेम्स के अंदर आपको मल्टीप्लेयर कोऑप मोड देखने मिल जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो और इस वीडियो को बनाने के एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को कीजिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और चलिए आज के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलूँगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ जल्द ही। टिल देन कीप वॉचिंग लविशेस गेमिंग, बाय।